तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल के वीलुकअप के टॉपिक में। हम वीलुकअप की लगातार 3 क्लासेस ले चुके हैं, चौथी क्लासेस है। तो चौथी क्लासेस में वीलुकअप से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम आपको बात आपके सामने करने जा रहे हैं। इसमें वीलुकअप चाह ही नहीं आता है, इसमें वीलुकअप का ट्रिक्स आता है, उसी चीज को हम कवर करेंगे। तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग की परमिशन भी दे चुका हूँ और ये हमारा एक्सेल फाइल आपके सामने। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रिपीटेड वैल्यू की, कि आपके पास अगर डेटा में अगर रिपीटेड वैल्यू है तो उस रिपीटेड वैल्यू को कैसे शो करेंगे। सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके सामने यहाँ डेटा है, मैं छोटा सा डेटा बनाया, मैं यहाँ पे DT1 कर देता हूँ, DT DT1। और यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड करके हम इसके बगल में देते हैं, तो अब प्रॉब्लम एक है हमारे पास सिंपल सा, कि मैं चाहता हूं यहां पे डेटा, तो डेटा है, मुझे डेटा यहां पे शो करने हैं और मैं यहां पे सिलेक्ट नेम सेलेक्ट के लिए, और हमने क्या किया DT से नेम लिस्ट को निकाला, कॉपी करके शो पे कहीं किसी एक जगह पे पेस्ट करके मैंने इसको कर दिया डेटा मेनूबार में रिमूव डुप्लीकेट। उसके बाद मैंने यहां पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन लगा दिया, लिस्ट बना दिया लिस्ट और हमने सेलेक्ट कर दिया। अब क्या है कि मैं जैसे ही यहां कविता सेलेक्ट करूं या पूजा सेलेक्ट करूं, मुझे यहां पे कविता और पूजा का पूरा डेटा आना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए हम वीलुकअप लगाते हैं, अगर हम वीलुकअप लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि वीलुकअप हमेशा एक ही कॉलम एक ही डेटा देगा। समझ गए सर, एक ही डेटा देगा, लेकिन मुझे यहाँ अपने DT1 में पूजा जितना बार रिपीटेड है, अगर हम पूजा को फिल्टर लगाते हैं तो यहां आप देखेंगे पूजा 3-4 बार है ना, तो मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहां काउंट लेना पड़ेगा कि पूजा आखिर में है कितना बार। तो मैंने काउंट इफ के मदद से DT1 में नेम को सिलेक्ट किया और हमने शो पे अपने इस पूजा को सिलेक्ट कर दिया, तो पता चला कि पूजा 6 टाइम रिपीटेड है। तो मैं यहां पे 1 टाइप किया और इफ कंडीशन लगाया, इफ अगर ए प्लस 1 करने पे ग्रेटर देन 6 होगा, जो कि मैंने इफ की क्लास में समझाई थी आपको ऑटोमेटिक सीरियल जनरेट करने के, तो यहां पे ब्लैंक आना चाहिए, अदरवाइज इसमें प्लस 1 होना चाहिए, सॉरी इसमें प्लस 1 नहीं, इसमें प्लस 1 होना चाहिए। और नीचे ड्रैग करने से पहले मुझे DT को फ्रीज करना होगा और मुझे पता है कि इसमें एरर आएगा क्योंकि हमने इस लॉजिक को हमने डिस्कस किया था और फिर हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, इस नंबर आ गया। अब हम चलते हैं डेटा में, क्योंकि मुझे एक यूनिक कोड क्रिएट करना होगा, तो हमने यहां पे एक नया सीट ऐड किया और यहां पे UID कर दिया और हमने बोला काउंट इफ और काउंट इफ में मैंने कविता को लिया और कॉमा कविता अकाउंट के, देख लीजिए F2 से लेके F2 तीनों सेम होना चाहिए और फिर आप पहले वाले को फ्रीज कर दीजिए राइट, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिए। तो इससे क्या हुआ, UID ने क्या किया कि जितने भी पूजा है उसका एक सीक्वेंस नंबर दे दिया। यहां देख लीजिए, मैं फिल्टर लगा के दिखा देता हूं,
यहाँ पे देखिए इंद्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आ गया। इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ कविता की, तो कविता को भी ऐसी सीक्वेंस दिया हुआ है, जो जितना बार है उतना सीक्वेंस दे दिया। एक अंदर समझ में आ गया आपको प्रवीण जी और बाकी लोग? हाँ सर आ गए जी सर। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं एन परसेंट लगाऊंगा डैश, और वापस एन परसेंट और नेम को ऐड कर दूंगा। तो वन कविता, टू कविता, थ्री कविता, तो एक यूनिक बन गया। ठीक है, और फिर यहां पे हम डी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहां पे इसको नेम को सेलेक्ट करेंगे सर। हाँ यहां पे हम नेम को सिलेक्ट करेंगे और डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे 2 3 4 यहां किस तरह से होगा, और इसमें ज्यादा है तो हम मैच भी लगा देते हैं। मैच में हम बोल रहे हैं शो में इसको DT1 हमने इसमें और कॉमा 0, और यहां पे कॉमा 0 कर। अब मुझे आगे ड्रैग करना है तो मुझे क्या करना होगा, फ्रीज करना। और इसमें नीचे तक करना होगा, ठीक है? लेकिन इसमें दिक्कत हो सकती है, इस एरर का फॉर्मूला मैं इसमें लगाता हूं एक बार, और नीचे ब्लैंक में वो ब्लैंक ना आए। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैजिक। ठीक है सर, सुनील जी समझ में आया आपको ये? इसको बोलते हैं री लुकअप लिस्टिंग मेथड, क्योंकि वो लिस्ट की तरह आ जाता है। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, नहीं सर, डाउट तो नहीं है। क्लियर। हाँ, अब लेकिन एक क्वेश्चन और उठ के आया, जब मैं किया तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये तो ठीक है, बट मान लीजिए मुझे जो है पूजा का क्वांटिटी चाहिए, और मैं उसको अलग अलग इस तरह से सेल में नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसकी क्वांटिटी यहीं पे मुझे दिख जाए, 74 यहाँ पे, 74, 81, इस तरह से मिलती, समझे? इस तरह से आ जाए। तो देखिए 2016 तक एक पॉसिबल नहीं है किसी भी मीडियम से, विदाउट वीवीए कोई ऐसा रूल नहीं था, क्योंकि ज्वाइन करने का प्रोसेस हमारे सिस्टम में नहीं था। कॉन्कैटेनेट था तो कॉन्कैटेनेट एरे नहीं लेता था, तो ज्वाइन नहीं हो सकता था। बट 2019 या ऑफिस 365 में एक नया फंक्शन आया, वो आया टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन जो फंक्शन है, वो फंक्शन जो है आपका एरे को एक्सेप्ट करता है और पूरी रेंज में एक सेल को ले लेता है, समझे? एक रेंज को ले लेता है। तो यहां हम टेक्स्ट ज्वाइन लगा सकते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन मुझे कॉमा से लिमिटेड करना है और हमें इग्नोर करना है ब्लैंक सेल को। उसके बाद हम यहां आएंगे इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला में जाएंगे, DT1 को सेलेक्ट कर, इसको सेलेक्ट करेंगे किसको, नेम को, और नेम इक्वल टू हमने बोला
शो में नीरज। अगर नेम इक्वल टू नीरज है तो इसके सामने वाली क्वांटिटी को शो कर दे, नहीं तो ब्लैंक कर दे, क्योंकि ब्लैंक को इग्नोर करेगा ना। एक्स वाई एंटर प्रेस। अब बोलेंगे सर काम कैसे कर रहा है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, फॉर्मूला एवलेट पे आना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि जहां जहां कभी ये था कभी नीरज था वहां वहां उसने ट्रू दे दिया, जहां जहां ट्रू था वहां वहां पे उसकी वैल्यू, जहां पे फॉल्स है वहां पे ब्लैंक दे दिया। तो टेक्स्ट ज्वाइन को क्या मिला, नंबर्स और ब्लैंक। तो हमने क्या बोला कि ब्लैंक को इग्नोर करो, तो उसने ब्लैंक को इग्नोर किया और जितने भी नंबर थे उस नंबर को आपस में उसने ज्वाइन कर दिया। लेकिन ये फीचर आपको लेटेस्ट एक्स में मिलेगा, पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। पुराने वर्जन में वीवी के अलावा कोई मेथड नहीं है, राइट सर? यस सर। अब चलिए हम बात करते हैं, जैसे बताया आपको कि हम आपको आज कुछ प्रोजेक्ट देंगे, क्योंकि वी लुकअप का चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। अभी दो तीन फॉर्मूले हैं जो कि हम आपको जब पूरी तरह से आप पढ़ लीजिएगा तो बताऊंगा, क्योंकि अपडेटेड फंक्शन है। जैसे कि आपका यहाँ पे आपके पास है फंक्शन एक्स लुकअप का है, एक्स मैच का है, फिल्टर का है, शॉर्ट बाई का है। ये फॉर्मूले जो है आपको अभी नए फॉर्मूले यूनिक हो गया, तो ये सब फॉर्मूले हम सब सीखेंगे। जब पुराने फॉर्मूले आप सीख लें तभी तो नए है, 2019 में नए फॉर्मूले आए, ठीक है? तो आपको मैं फाइल भेजूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए बता देता हूँ। मेरे पास लिस्ट ऑफ द नेम है और यहाँ पे डेटा है, अक्टूबर का डेट डाल देता हूँ, अक्टूबर का डेट, अक्टूबर की डेट वाइज सेल है, 11 नवंबर तक की है मान लीजिए, और नेम। और यहां पे हम सेल दे देते हैं, कॉपी करके मैंने वैल्यू पेस्ट की। तो आपके सामने ये डेटा है, राइट? और मुझे क्या चाहिए, मुझे दूसरे शीट में, एक दूसरे शीट में एक और शो नाम का शीट है, शो वर्क, ठीक है? इसमें क्या करना है कि मैं सेम यहाँ जो नेम का, इस शो में जो नेम का लिस्ट है इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहां से डेटा वैलिडेशन, तो यहां जो लिस्ट है, लिस्ट जो आप देख रहे हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहां एक और सिलेक्ट करना है फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक 10-1 से लेके 15-1 तक मुझे ढूंढना है, 15 साल, या डेट चेंज भी हो सकता है। तो बिटवीन डेट्स में मुझे यहाँ पे मेरा यहाँ पे सीरियल नंबर, नहीं सीरियल नंबर की जरूरत नहीं, यहाँ पे नेम और यहाँ पे डेट्स होना चाहिए। जैसे 1 अक्टूबर है, एक अक्टूबर से लेके, तो मैं मैनुअल कर रहा हूं, आपको इसको ऑटोमेट करना है। और यहाँ पे सेल्स, मान लीजिए कविता है, कविता और इसके सेल आना चाहिए। तो याद रखिएगा ये डेट इसके, इससे लिंक होना चाहिए,
ध्यान से रखिए, मुझे क्या बनाना है कि मैं यहाँ पे जो डेट डालू वो बिटवीन डेट का लिस्ट उतना ही यहाँ पे बनना चाहिए, ओके, और उतने उसी के हिसाब से यहाँ पे सेल होना चाहिए। मैं कल के दिन मान लीजिए 10 से 15 के बीच में चाहूँ तो 10 से 15 के बीच में हो जाना चाहिए और उसका सेल भी उसी हिसाब से होना चाहिए। क्या करना है, समझ में आया आप लोगों को? हेलो जी सर, ये बना के फटाफट मुझे दीजिए ताकि पता चले कि आपने वी लुकअप को सीखा करना है। ठीक है, ये पी कुमार नहीं है ना आपका, क्या है आपकी ईमेल आईडी? नहीं सर, पी कुमारी है। पी कुमारी है। तो कल हम जो है आपकी प्रोजेक्ट मिलने के बाद हम बात करेंगे उससे आगे की प्रोसीजर पर, जैसे कि जो फॉर्मूले मैंने छोड़ दिए हैं वो बताएंगे, लेकिन वही है ये आपके पास सारे फॉर्मूले अगर के लिए है तो क्या बोलते हैं अपडेटेड एक्सेल है तो फिर कुछ फॉर्मूले गूगल सीट पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं, तो गूगल सीट पे भी मैं बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, अब इसके बराबर कीजिए, फाइल भेज दिया है करके अभी भेजिए मुझे। ठीक है, ठीक है सर, ओके, बाय।